हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ स्नेहा विधि। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये है स्टैटिस्टिक्स की वीडियो। ओके, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स BCA 040। देखिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है। ओके, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरीके से बनाया जाता है, और मीन भी मैं इसमें बताऊंगी। मीन हमारा डायरेक्ट मेथड से हम किस तरीके से इसमें मीन फाइंड आउट करते हैं, और ये बहुत इजी मेथड है। या तो आप इग्नू स्टूडेंट्स हैं तो भी उनके लिए भी हेल्पफुल है, अगर आप इग्नू स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ओके, दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो इग्नू स्टूडेंट्स स्पेशली, मैं आपको बता दूँ, ये मैंने जून 2018 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है जो कि मैं ये सॉल्व करने जा रही हूँ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी है हिस्टोग्राम बनाना एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, अगर क्वेश्चन में आ जाए सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए जब हिस्टोग्राम बनेगा उसके बाद ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, या तो क्वेश्चन में गिवन मेंशन है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है मैंने जो आपको बता दी। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आता रहता है। देख लीजिए, 40 मार्क्स का पेपर, 50 मार्क्स का पेपर होता है, ईजी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो आप ईजिली पास हो सकते हैं इस BCA 040 में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको ये डेटा दिया हुआ है कुछ। ओके, इस डेटा के बेसिस पे हम ग्राफ, देखिए ग्राफ आप लोग ने सबने सुना होगा, आई होप कुछ लोगों को आता भी होगा और कुछ को नहीं भी आता होगा। तो मैं सबसे पहले इसमें ग्राफ की बात करते हैं। हिस्टोग्राम सिंपल एक ग्राफ की तरह होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम हिस्टोग्राम बोल सकते हैं। ओके, तो इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, वही हमारा हिस्टोग्राम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपने इस तरीके से एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ओके, एंड ये हमारा होता है वाई एक्सेस, एंड इसके नीचे जो होता है ये हमारा होता है एक्स एक्सेस। ओके, ये मैथ्स का टॉपिक है। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस होता है, ये हमारा होता है ओरिजिन जो कि ज़ीरो पे होता है। ओरिजिन हमेशा किस पे होते हैं, ज़ीरो पे। तो देखिए, 22 ये वाला जो कॉलम होता है, 20 जो इंटरवल्स, इनको हम इंटरवल्स भी कहते हैं। तो ये जो इंटरवल्स होते हैं वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। देखिए, मे बी ये शायद इससे आगे भी जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 5 5 का गैप है, तो मैं क्या कर लूँगी, 5 5 का गैप ले लूँगी। ओके, 5 हम यहाँ से डायरेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 5 का लें, यहाँ से मैं डायरेक्ट 25 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इसके बीच में हम ये शो कर देते हैं कि हाँ ये 5 से स्टार्ट है। ओके, 5 10 15 20 25 30 35 40 कुछ मिस तो नहीं हो रहा, 45 नो। ओके, 45, दिस वन इज 50। ये देखिए इंटर, ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इंटरवल्स हमारे कितने कितने का इंटरवल है इसमें, 5 5 का। तो 5 5 के इंटरवल्स में मैंने बिल्कुल इक्वल गैप ये होना चाहिए, इतना मैंने ही बना दिया। अब देखिए, इसके बाद ये जो हमारा नंबर ऑफ मशीन्स है वो हम यहाँ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, टाइम। तो यहाँ आप लिख भी देंगे टाइम इन मिनट्स। ओके, यहाँ पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ मशीन्स। तो यहाँ से लिख दीजिएगा नंबर ऑफ मशीन्स। यहाँ पे हमारा क्या है, 3 7, तो हम यहाँ पे कितना भी ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना भी। देखिए, एक और बात रहता है, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं 1 1 का गैप ले, आप 2 का गैप भी ले सकते हैं, 3 का गैप भी ले सकते हैं, 4 का गैप भी ले सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ये सब आप पे डिपेंड करता है। बस आपको क्या करना है, ये डेटा को ध्यान रखते हुए गैपिंग लेनी है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई भी 2 से बहुत कम है, तो इसलिए मैंने 1 1 का गैप ले लिया सब में।
ओके अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे, ये यहाँ क्या कह रहा है, 20 से लेके 25 तक कितने मशीन से, 3, तो 20, वेर इज 20, 22, 25 इंटरवल यहाँ है ना हमारा 22, 25, तो इस बीच में हम कितना बना देंगे, 3, कितने मशीन से, 3, ठीक है, तो 22, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन करते ये 3 तक, देखिए 3 यहाँ पे है ना यहाँ, तो यहाँ तक एक लाइन और एक ये 20 से, एक ये 25 से, इस तरीके से यहाँ तक, और इन दोनों को ऐसे कर देंगे, ये हमारा ऐसे ग्राफ बन गया। इस तरीके से हमें इसी में ज्वाइन करते हैं बाकी सारे बनाने। अभी 25 से 30 के बीच में कितनी मशीन सोल्ड हुई, 7, तो 25 to 30, 7, पहले हम 7 पे पॉइंट आउट इस तरीके से देखेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे दोनों से 7, ये रहा, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस लाइन को 7, क्योंकि 25 से 30 के बीच में कितना है, 25 to 30, तो 25 to 30, ये इस तरीके से, ये 7 नंबर पे, ओके। एंड नाउ 11 पे क्या है, 30 to 35, क्या है 30 to 35 पे क्या है 11, तो 30 to 35 पे क्या है 11, अब 11 नंबर कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ तक, तो हम इस लाइन को यहाँ तक और एक्सटेंड कर देंगे, तो 30 यहाँ ये भी आ जाए, इसको भी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। स्टूडेंट्स मैंने अभी स्केल का यूज़ नहीं किया, बट आप लोग प्लीज़ स्केल का यूज़ करिएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है सिर्फ और सिर्फ लाइक सब्सक्राइब एंड आपके कमेंट्स के लिए, ओके। अब देखिए ये 25 हो गया, अब नेक्स्ट 35 to 40 कितना है, 8, 35 to 40 कितना है, 8, तो 8 इज हियर, तो यहाँ तक हम 35 to 40 तक करेंगे, ओके। नाउ अब इसके बाद क्या, 40 to 45 is 5, यहाँ तक, तो ये इस तरीके से कर देंगे, ओके। एंड नाउ 45 to 50 is 2, इस तरीके से ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस डेटा का, यही हमारा हिस्टोग्राम भी कहा जाता है, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब उसके बाद बट आपको क्या कहा है, हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाए, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इनके मिड पॉइंट्स पे बस यहाँ पे मिड पे एक एक डॉट्स लगा देने हैं, ये जो ये है इसकी मिड पे आपको एक एक डॉट्स लगा देने हैं एंड इनको कनेक्ट कर देना है विद अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे इंटरवल कितने का है, 5 5 का, तो यहाँ से 5 के इंटरवल से आपकी लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से ऐसे इनको कनेक्ट करते जाना है एक स्ट्रेट लाइन के साथ, किससे कनेक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, ओके, इस तरीके से। और यहाँ भी एक 5 आना चाहिए, 55 एक यहाँ भी आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, एक 5 पॉइंट एक्स्ट्रा इंटरवल पे डिपेंड रहता है, अगर आपका इंटरवल मीन्स इनके बीच का गैप 10 है तो आप 10 से ले जाए, 10 के गैप से ले जाएंगे, ओके। एंड यहाँ भी ये आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या किया है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। अब देखिए ये आपका हो गया, इसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ कही है, ऑल्सो फाइंड इट्स मीन, मीन भी बहुत इजी होता है, बहुत ही शान से बिल्कुल आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद मीन, मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका फ्रिक्वेंसी है, इसको हम कह सकते हैं एफ आई, क्या कह सकते हैं एफ आई। अब इसके साइड में एक और कॉलम बना लेना एक्स आई का, मैं इसी में बना के दे दे रही हूँ, आप अलग से बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक्स आई, एक्स आई हमारा क्या होता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टू, क्या होता है 20 plus 25 divided by 2, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 22.5, ओके। 25 plus 30 divided by 2 जो कि आएगा 27.5, आई होप आपको समझ में आ रहा है, 30 plus 35 ये आएगा आपका 32.5, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, ओके। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, 35 plus 40 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, 35 plus 40 divided by 2 विच इज़ इक्वल्स टू 37.5। एंड आई होप इसमें कैलकुलेटर भी, आई थिंक इसमें हाँ कैलकुलेटर भी अलाउड होता है आपका, आप कैलकुलेटर ले जाके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड होता है। 40 plus 45 is 32.5 and 47.5। अब देखिए इसके बाद क्या करना था, एफ आई इंटू एक्स आई करना था, क्या करना था, एफ आई इंटू एक्स आई, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन,
है कि ये किसके लिए करते हैं, मीन निकालने के लिए। इसमें हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम का कोई रोल नहीं है, ये जो हम आप कर रहे हैं ये मीन निकालने के लिए कह रहे हैं। आप एक ही वीडियो में तीनों चीज सीख सकते हैं। ओके तो देखिए इसको इसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 67.5, ये आएगा 192.5। मैं ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन कर चुकी हूँ इसलिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ओके 21, 212.5 एंड 95, इस तरीके से। अब देखिए हमने ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमारा मीन का फॉर्मूला, मीन को इससे एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी सिग्मा क्या कहता है, सिग्मा कहता है सम, सबका सम, मीन्स एफ आई एक्स आई का सम। ओके इस पूरे का टोटल, सम मतलब इसका टोटल। ओके अब इसका टोटल क्या आएगा, वो आएगा 1225। क्या आया 1225, ये क्या है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई आया। ओके एंड सिग्मा एफ आई क्या होगा, जो एफ आई है उसका सम, इसका सम है 36। ओके अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 1225 डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 34.0277 आप 2 or 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं। ओके आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड अगर आपको BCA स्टूडेंट्स हैं आप तो मेरी और भी वीडियोस हैं, आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। ओके बाय, टेक केयर।